करके दिखाए आप जो भी कहते बाबा करके दिखाए। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आंख उठाए मन तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए, दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे गुल खिल जाते हैं न्यारे, गुलशन तो महक जाए तू जो इसे सवारे, हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्ग किसी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप और दादा ने बन
Thank you.
प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन Okay.
से परमात्म प्यारे कोटों में कोई बचे क्योंकि इस समय परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते सारे कल्प में संगम युग पर होता है जो आप सभी बच्चे से पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे मेरे साथ है मेरे साथ ही रहते ऐसा अनुभव कर रहे हो ना आप भी जानते हो और आप कोई इस प्यार का किसी से भी प्यार हो जाता है
उसकी निशानी है। उसके ऊपर कुर्बान होना, तो परम पिता परमात्मा क्या आप बच्चों से चाहते हैं? तो आप सब जानते हैं। बाप के हर एक बच्चे के प्रेत यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वो श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके। ऐसी सब पवित्र स्थिति बना रहे हो जिस संपूर्ण पवित्रता में पवित्रता का नाम निशान नहीं।
Chicago.
संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं सेवा चाहिए, वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है अपना ओलेना भी निकाल रही हूं लेकिन अभी सेवा की आवश्यकता है इसके लिए
बच्चों के पास।
सेवा कर रही हूँ और किए बाप दादा खुश कि सेवा में चारों ओर ओमा गुस्सा है, लेकिन अभी एक सेवा नहीं हुई। ये आवाज तो हुआ है, मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है। ये जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती। सेवा बहुत अच्छी करते, लेकिन अभी पाप आए परमात्मा आ गए, परमात्म ज्ञान ये दे रही है। मेरा बाप वर्षा देने आ गया है, अभी बाप की तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्म प्यार परमात्मा के कृष्ण आकर्षित करेंगे। अच्छा अच्छा तो हो गया, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाए।
करती है, वो क्या, वो वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा पाप के समीप लाओ, अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में पाप पड़ता क्यों? तो अभी पर्थक्यता
अब और कैसे होगी। तो प्रभा को बारियों तक पहुंचिए, लेकिन प्रभा को बारियों को सिखाने वाला कौन?
आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रही है। समाप्त कर सदा समृद्ध बन समृद्ध बनाओ, सिर्फ संदेश नहीं समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनो, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापत्ति दिवस मन हो सकते हैं, जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुश नेमा खुश किस्मत का अनुभव कम कराते हैं। अब इस समापति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वो हाथ उठाओ। बाएं का हाथ तो बहुत ईजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो, जो मन का हाथ उठा रही है वो हाथ उठाओ, मन का हाथ। अच्छा, आज के वीआईपी उठो, जो आज विशेष वीआईपी आए वो उठो।
यहाँ बैठे है ना। आपकी
सेवा हो जाएगी, अनेकों के तकदीर का ताला खोल सकते। तो पसंद है, पसंद है तो हाथ उठाओ। संकल्प मन को चाहिए, मन खाली नहीं रह सकता।
मन को कुछ ना कुछ संकल्प चाहिए तो व्यर्थ वेस्ट को वेस्ट करने के लिए आपको ये वरदान और स्लोगन और आदि के शब्द ये मन को चेंज करने के लिए चाहिए। ये कर सकते हो, कर सकते हो, कोई करते भी होंगे, क्योंकि पाप को यही आप अनुभवी बन औरों को अनुभवी बनाने में बहुत सेवा कर सकते। अभी समय फास्ट जा रहा है, तो फास्ट समय में आपकी सेवा भी फास्ट होगी। तो बाप दादा को आप सब आए ये खुशी है, बच्चों को देखा तो चाहे कभी कभी आने वाले, लेकिन है तो बच्चे ना, तो बच्चों को बाप तो देखे ना, इसलिए आप सिर्फ थोड़ा समय जब अमृत वेले उठते हो भले पेट पर लेटे हुए हो, आंख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा गुड मॉर्निंग करो, कर सकते हो। देखो कहावत है, सारे दिन में अगर कोई अच्छी को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है, कोई खराब को देख लेते हैं ना तो क्या कहते हैं, कहते हैं पता नहीं किसकी शिकल देखी जो सारा दिन खराब गए। तो अच्छे थे अच्छा कौन, शिव बाबा, शिव बाबा से प्यार है ना। तो आंख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आंख बंद करते रात्रि को जब पेट पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। ये तो सहज है, तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया ना पड़ता। तो ऐसे करना, बाप दादा का प्यार है ना आप लोगों से, तो ये करने से और आगे बढ़ते जाए अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं है। तो मंजूर है और सहज योगी बनो, बस मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, ये सहज योगी चलते फिरते ये याद करो, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, ये तो याद कर सकते हो ना। तो बहुत अच्छा, अभी बैठ जाओ, थक गए हो।
उस सभी से। ये तो हुआ इन बच्चों से रुवाड़िया। अभी आप सभी जो वारिस भी है और वारिस बनने वाले भी है, जो अपने को पक्का बाप दादा का वारिस समझते हैं, अपने आप को वात उठाओ। अच्छा, वारिस फिर तो वीआईपी भी सब हाथ उठा रहे, ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वार्स क्वालिटी को आज ये संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे, बाप दादा को ये संकल्प देंगे कि हम अब से कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है? मंजूर है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जो समझते हैं पक्का संकल्प है मन का, हाथ उठाने का नहीं, मन का हाथ उठाने का, वो हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले उठा रहे हैं। अभी वो तो हाथ उठाओ, जो पक्का वो तो हाथ उठाओ। अच्छा, तो आज सदन व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात समृद्ध बनना, सदा समृद्ध। और दूसरा कार्य कौन सा है? और अशांति की समापति का दिवस समाप्त समय बुलाना। दो काम है, एक सदा समृद्ध बनना और दूसरा समृद्ध समय को समय नहीं। काम ठीक है, कांधे लाओ, कांधे लाओ। ऐसे क्यों कह, बाप दादा के पास
आवाज पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रह माना चाहिए ना। रैम क्यों नहीं आता? वैराग, वेद का वैराग और रैम छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों मैं टाइम नहीं देना। अबे हे बाप सिकी लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो, लाइफ सदा काल होती, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु दयालु देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया, अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुखियों के दुख के आवाज तो सुनो। छोटा बड़ा
को दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। बाप दादा का ये आना जाना भी कब तक? अचानक होना तो अभी वर्स क्वालिटी वर्षा दिलाना रैम दिल बनने का पाठ बजाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा। समाप्त करना ही है, होना है नहीं, करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया। खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देगा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज
जमा होते हैं सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराते क्रोध पर कराया से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो क्यों क्या नहीं हो से कंट्रोल किया है कोई कोई ने अच्छा किया लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है मिटाने की कोशिश कर रही फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया समझने लगे हैं किस में मेरे कोई नुकसान है समझा अभी बोलो बाबा सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन का है नेपाल का है और साथ में तमिलनाडु है। ईस्टर्न नेपाल और तमिलनाडु बाबा सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन का है नेपाल का है और साथ में तमिलनाडु है। ईस्टर्न नेपाल और तमिलनाडु सभी उठेंगे बंगाल बिहार उड़ीसा असम नेपाल और तमिलनाडु।
अच्छा सेवादारी, सिर्फ सेवादारी उठो, बाकी जो ऐसे साथ आए वो बैठ जाओ। मुबारक दे रहे।
वैसे तो देखा जाए और जगह पर भी करते हैं और किए, उनका नाम नहीं लेते लेकिन करते रहते हैं। फॉरेन में भी किए, इंडिया में भी किए, लेकिन प्यार की विशेषता ये है कि वहाँ जगह जगह पर ज्ञान की वर्षा बहुत अच्छी की। कितने सेंटर खोले, बिहार में एक वर्ष में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं था तो एक वर्ष में 12 सेंटर 12 डिस्ट्रिक्ट में खोले। अच्छा है, गीता पाठशालाएं भी होंगी। गीता पाठशालाएं भी साथ साथ खुल रही हैं। तो अच्छा है, बाप दादा को ये सेवा बहुत अच्छी लगती। जहाँ भी ऐसी हालत हो वहाँ ये डबल सेवा करनी चाहिए। सेंटर खोलने में नियमित आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ की हालत खराब होती, लेकिन फिर थोड़े समय में आपके सहयोगी अच्छे बन जाए। और बाप दादा ने देखा कि अभी इस जोन में भी सेवा फैल रही, चाहे बंगाल चाहे बिहार चाहे उनके साथी भी है, नेपाल भी है। बाबा उड़ीसा, उड़ीसा और आसाम, नेपाल, तमिलनाडु, इनके साथी बहुत है। क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रकटना तो सेंटर्स भी बहुत है, साथी भी बहुत। और आज तक बाप दादा ने देखा कि हर एक एरिया को, चाहे बड़ा जोन नहीं है छोटे है, लेकिन छोटों में सेवा का उमंग और बहुत है। और रुचि से किया भी है, कर भी रहे। इसलिए इन सब जोन में जो भी नाम ले रहे हैं उन सब तरफ सेवा का बोलबाला हो गए। और रिजल्ट में ये भी देखा गया तो रेगुलर स्टूडेंट भी बने। चाहे बड़े या छोटे प्रोग्राम से मीडिया का भी साथ है, लेकिन अब
जो बाबा ने कहा है कि समय को समय बुलाओ, उसकी तैयारी जल्दी से जल्दी करना है। अच्छा बाप दादा जो बंगाल बिहार की तरफ से आए हैं उन सबको भी मुबारक देते हैं कि यज्ञ सेवा का पुण्य का कार्य अच्छा संभाल भी रही है। भीड़ थोड़ी ज्यादा है लेकिन बाप दादा ने एक बात सभी को कम संख्या में आने के बजाय बड़ी संख्या में आना पसंद आ गया। दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी कुंभ के मेले से शुद्ध खाना तो मिलता है, रहने के लिए चलो टेंट भी तो मिलता है, लेकिन जो भी आते का प्यार देख करके, क्योंकि प्यार में कुछ भी देखना पड़ता या करना पड़ता तो वो पता नहीं पड़ता है कर रहे हैं, खुशी खुशी से करते। तो बंगाल प्यार सोने भी सेवा का पाठ अच्छा बजे। अच्छा यहाँ जो बैठी है इनों में से किसको तकलीफ है सोने की या खाने की, वो हाथ उठाओ। जिसको खाने की सोने की तकलीफ हो तो हाथ उठाओ, हमारा हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा एक ये और कोई है? अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। आप ये निर्वैर से मिलना, आप पूछना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। परबत मिल जाएंगे, औरों के लिए भी परबत हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ बैठो, बाबा डबल विदेशी भाई बहने बहुत से आए हुए हैं, डबल फॉरेनर्स बहुत आए हुए हैं। नहीं वो जो दूसरे जोन बताए। अच्छा तमिलनाडु, वो भी उठे। नेपाल, पहले एक एक उठाए बाबा। नहीं तमिलनाडु नहीं उठा, तमिलनाडु उठो भाई। हाँ। एक एक को उठाती हूँ, पहले तमिलनाडु उठिए।
आजकल तमिलनाडु भी सेवा के उमंग उत्सव में बाप दादा ने समाचार भी सुना कि ये जो शिव का मेला बनाया है उसकी सेवा जगह जगह पर जाके भी करते, फायदा और देशों को भी पहुंचा रहे। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर भी विशेष तो शुभ पाप है ना, उसके मेले में परिचय सारा पाप का ही मिलता है। तो ये सेवा और देशों में भी जाके करते हैं, ये बाप दादा को इन्हों का अच्छा सेवा का समाचार लगा। करते रहो और अच्छे आपस में जिस जोन की यूनिटी है, यूनिटी सुते ही पुण्य का काम कराते और मगुत समाते। बाप दादा ने देखा कि सभी ने सारे जोन ने मिलके जो हाल बनाया सबके सहयोग से, जोन के सहयोग से जो हाल बनाया है, ये एक दो में जोन वालों का सहयोग, ये बात भी अच्छी, क्योंकि जोन इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा है। चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और जान चार चांद लगाओ। ये बाप दादा को अच्छा, तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, बढ़ाएंगे ना, सभी सभी ने उठाया हाथ। हम सब एक है, ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके इसके कारण जोन बना है, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के रहेंगे।
अलग अलग बोलो। बाबा डबल विदेशी भाई बहने भी बहुत आए हैं, नेपाल वाले भी आए हैं बाबा, वो चाहते हैं अलग अलग कुछ सुने हम। नेपाल वाले उठो, नेपाल वाले उठो। इसका समाचार सुनते रहते, वहां जैसा वायुमंडल है उस हिसाब से सेवा की वृद्धि शुक्ति से अच्छी कर रहे। बाप दादा नेपाल की सर्विस सुन करके खुश होते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये आध्यात्मिक सेवा कब नहीं होती, पड़ती है लेकिन कब नहीं होती। सेंटर पढ़ रही है, हलचल में अचल, इसलिए बाप दादा को नेपाल की सेवा पर नाज। बहुत अच्छा, ये सब नेपाल उठे। अच्छा, नेपाल वाले हाथ ऊंचा करो। अच्छा, बहुत, ये अच्छा बना है कि सोन सोन को मिलने से वो जी भर के आ जाते हैं और सेवा भी करते हैं, सभी को सेल्वेशन भी मिल जाए। अच्छा बैठ जाओ। अभी डबल विदेशी उठो, सिर्फ बाहर
भारत सेवाधारी थे, लेकिन अभी हर टर्न में 90 देशों के 80 देशों से डबल विदेशी आते, तो बाप दादा को खुशी है कि हर सीजन में विदेश में भी सेवा बढ़ती जाती है। और कितने उमंग से हर टर्न में पहुंच जाते, चाहे कितना भी प्रयत्न करना पड़ता है, बाप दादा को पता है। तो पहले शुरुआत में एक बार होके जाते थे और दूसरे साल के लिए बॉक्स में एक टिकट के लिए इकट्ठा करते थे, आते जरूर थे, लेकिन अभी धन मन धन सब में आगे जा रहे। और बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि ये मधुबन में आके जो रिफ्रेश होते हैं, ग्रुप ग्रुप रिफ्रेश होते हैं, पर्सनल अटेंशन देते हैं, ये बाप दादा को पसंद है। और इस वारी की रिजल्ट भी बाप दादा ने सुनी, तो एक दो के सदै सहयोगी बनकर एक दो को कोई भी इशारा देने में, पुरुषार्थ तीव्र करने में कोई कमी है, तो खुले दिल से एक दो में दी है। ये बाप दादा को समाचार पसंद आया, क्योंकि जब तक अपने कमी को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो परिवर्तन हो नहीं सकता। इसलिए बाप दादा को पुरुषार्थ की विधि अच्छी लगी, थोड़े थोड़े आपस में मिलके जो मीटिंग करते हैं उसमें अटेंशन ज्यादा ज्यादा। डबल विदेशी डबल पुरुषार्थी है, ये बाप दादा ने मधुबन के समाचार में ज्यादा देखा। बाकी सभी जो भी आए हो, अभी अपने को निर्विघ्न समझते हो, निर्विघ्न समझते हो वो हाथ उठाओ। निर्विघ्न समझते
चैरिटी है, कोई कोई नहीं भी है, मेजॉरिटी। तो बाप दादा आज डबल विदेशों को डबल वरदान देते हैं। एक तो सेवा के सेंटर की वृद्धि बढ़ाओ, रेगुलर स्टूडेंट बढ़ाते चलो, बढ़ेंगे। और दूसरा एक दो को पुरस्कृत करने और कराने का जो मीटिंग बनाई है, जो हर वर्ष करते रहते हैं, उसका भी फायदा जितना उठाना चाहिए उतना और उठाते चलेंगे। बाकी आपस में जो बनाया है वो विधि अच्छी, इससे और ज्यादा प्रोग्रेस हो सकती है। इसको अटेंशन देके और पढ़ाएंगे तो बढ़ जाए। सुना बाप दादा खुश है और दिल में क्या याद करते हैं? वाह बच्चे वाह, अच्छा बैठ जा। अच्छा अभी क्या सुनाते हैं बाबा? जो पहली बार आए हैं उनको भी उठा लेते तो अच्छा, तो फर्स्ट टाइम जो आए उठे सब, फर्स्ट टाइम वाले उठो। वो तो आधा क्लास होता है, अभी के सीजन में मेजॉरिटी आधे क्लास से भी ज्यादा होता है। क्यों? कि रेगुलर तो बाहर बैठती है, क्लास में तो नहीं बैठते। आपका तो हो गया, आप बैठ जाओ। अच्छा देखा, सभी ने देखा कितना परिवार बढ़ रहा है। बाप दादा कहते हैं वाह परिवार वाह। अभी तो जो भी स्थान बनाएंगे ना वो छोटा हो नहीं, प्लान बनाना ना, क्योंकि अभी आप सभी का अटेंशन संदेश देने में अच्छी तरह से लगाया,
तो जो इतनी सेवा होती है उनमें से फिरती तो होंगी ना। तो पहले बारी आने वालों को बाप दादा पहले बारी आने की बहुत बहुत पदम गुना मुबारक दे। अभी निर्विघ्न बन आने वाली समस्याओं को स्वयं वासयोग से जल्दी समाप्त कर उड़ते चलो। अभी चलने का समय पूरा हो गया, आप जब आए हो तो उड़ने का समय है। तो उड़ने के समय पर चलना नहीं उड़ना, तो उड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये बाप दादा का विशेष वरदान और एक्स्ट्रा मदद पहले आने वालों को। अच्छा बैठ जा। चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुशनुमा देखे खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान। कभी चेहरा मुड़ जाया हुआ, अगर आप
आप भूल जाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा? आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना, ऐसे सभी देवर पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते।